जो कभी नहीं हुआ वो उस रात हुआ। धरती लोक से दूर जादुई आसमानी दुनिया में रहने वाली भानु शेरनी ने एक जादुई सुनहरा अंडा दिया। जब वो विशाल सुनहरा अंडा फूटा तो उसके अंदर से एक सुंदर सफेद शेरनी बाहर आई। भानु शेरनी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि भानु के यहाँ सालों बाद कोई औलाद जन्मी थी, इसलिए भानु शेरनी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और अच्छे से उसका पालन पोषण करने लगती है। भानु शेरनी दिन भर अपनी बेटी के साथ खेला करती थी। भानु की बेटी भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उधर उसी जादुई दुनिया में कालिया नाम का एक खतरनाक बाघ रहा करता था। कालिया उस जादुई दुनिया में रहने वाली भानु शेरनी का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो उसे खत्म करके उस जादू दुनिया पर अपनी हुकूमत करना चाहता था। एक दिन एक तांत्रिक कालिया के पास आकर उससे कहता है, कालिया मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने आया हूँ। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है और एक चेतावनी भी है। तांत्रिक गुरु वो खुशखबरी क्या है, जल्दी बताओ। कालिया तुम्हारा बरसों का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि इस जादुई दुनिया में उसने जन्म ले लिया है। अगर तुम्हें उसकी शक्तियाँ मिल जाएं, तो इस ब्रह्मांड में तुमसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारे लिए चेतावनी ये है कि जो शक्ति तुम्हें ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर सम्राट बना सकती है, वही तुम्हें बर्बाद भी कर देगी। अगर तुमने सही समय पर उन शक्तियों को हासिल नहीं किया तो वही महाशक्ति तुम्हारा काल बनेगी। तांत्रिक, लेकिन वो महाशक्ति कौन है और वो मुझे कहाँ मिलेगी? कालिया, वो महाशक्ति इसी जादू दुनिया में है, उसका पता तुम्हें खुद लगाना होगा। तब कालिया अगले ही दिन अपने कुछ सिपाहियों को उस महाशक्ति की तलाश में भेजता है। कुछ दूर चलने के बाद कालिया के सिपाहियों को भानु और उसकी नन्ही बेटी दिखाई देती है। वो देखो, ये तो भानु शेरनी की बेटी है, लगता है इसने अभी जन्म लिया है। हाँ भाई, और यही वो महाशक्ति है जिसकी तलाश हमारे सरदार को है। ऐसा कहकर कालिया के सिपाही उसके पास जाकर उसे भानु की बेटी के बारे में सारी बात बताते हैं। ये पता लगते ही कालिया अपने सिपाहियों के साथ फौरन भानु शेरनी पर हमला कर देता है। भानु अपनी बेटी को कालिया से बचाने के लिए अपनी जादुई शक्ति से वहां एक विशाल अंडा प्रकट करती है और अपनी बेटी को उस विशाल अंडे के अंदर छुपा देती है और उसे धरती लोक भेज देती है। उधर कालिया बाघ जादुई दुनिया पर अपना कब्जा कर लेता है और भानु शेरनी से कहता है, शेरनी अगर तू खुद को जिंदा देखना चाहती है तो कहाँ है तेरी बेटी? अपनी बेटी को इसी समय मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कालिया, इस जन्म में तो तुझे मेरी बेटी कभी नहीं मिलेगी। ये सुनकर कालिया को बहुत गुस्सा आता है। शेरनी, अब तू देख, मैं तेरी आंखों के सामने ही तेरी बेटी को पकड़ कर लाऊंगा और तेरी आंखों के सामने उससे उसकी सारी शक्तियाँ छीन लूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसा कहकर कालिया भानु शेरनी को वहीं कैद कर लेता है। उधर वो विशाल जादुई अंडा धरती लोक एक जंगल में आकर गिरता है। उस जंगल में रणधीर नाम का एक शेर अपने बेटे शिवा के साथ रहा करता था। एक दिन शिवा अपने जंगल में घूम रहा होता है कि तभी उसे अपने सामने वही चमकता हुआ विशाल जादुई अंडा दिखाई देता है। शिवा उस विशाल अंडे के पास आता है। उसके वहाँ आते ही वो विशाल अंडा खुल जाता है और उसमें से भानु शेरनी की बेटी बाहर निकलती है। शिवा उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे शेरनी तुम कौन हो और तुम इस अंडे के अंदर क्या कर रही हो? मैंने पहले कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। भानु की बेटी कहती है, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। मैं अपनी माँ के साथ जादुई दुनिया में रहती हूँ। हमारी जादुई दुनिया में एक शैतानी कालिया बाघ ने हमला कर दिया है। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए इस अंडे के अंदर छुपाकर यहाँ धरती लोक भेज दिया। उस नन्ही सफेद शेरनी की बात सुनकर शिवा को उस पर दया आ जाती है। सुनो शेरनी, तुम इस अंडे के अंदर वापस छुप जाओ, अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। भानु की बेटी अंडे के अंदर वापस चली जाती है। शिवा उस अंडे को लेकर अपनी गुफा में आकर उसे छुपा देता है। वहीं शिवा का पिता रणधीर, वो बहुत लालची और घमंडी था। वो सारा दिन अपने बेटे शिवा से काम कराता और खुद आराम से शिवा का लाया हुआ भोजन खाता। एक दिन रणधीर शिवा से कहता है, शिवा आज तुम काम पर क्यों नहीं गए? पिताजी आज मेरी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए मैं काम पर नहीं गया। शिवा मुझे पता है ये सब तुम्हारे काम पर न जाने के बहाने हैं। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम काम पर नहीं जाओगे तो हमारा घर कैसे चलेगा। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। रणधीर को पता भी नहीं चलता कि उसके बेटे शिवा ने उसके घर में एक सुनहरे अंडे को रखा हुआ है। उधर बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन कालिया के सिपाही शिवा के साथ भानु की बेटी सफेद शेरनी को देख लेते हैं।
और जाकर अपने सरदार कालिया को इसकी खबर देते हैं। भानु की बेटी का पता लगते ही कालिया उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ निकलता है। वहीं दूसरी तरफ कालिया के वहां से जाते ही भानु शेरनी वीर स्कार को याद करती है, जो आसपास की सभी जादू दुनिया का मालिक था और जिसके अंदर 100 जादुई शेरों जितनी ताकत थी। वीर स्कार वहां आकर भानु शेरनी को आजाद कर देता है। तब भानु शेरनी वीर स्कार को सारी बात बताती है। उधर कालिया भानु की बेटी को तलाश करता हुआ शिवा की गुफा पर पहुंचता है। कालिया भानु की बेटी को देखकर उसे मारने उसकी ओर आगे बढ़ता है। तभी वीर स्कार वहां पहुंचकर अपनी जादुई शक्तियों से कालिया और उसके सारे सिपाहियों पर हमला करता है और अपनी जादुई शक्तियों से कालिया के साथ उसके सारे सिपाहियों को वहीं जलाकर नष्ट कर देता है। भानु अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होती है और खुश होकर शिवा को ढेर सारा सोना देती है और अपनी बेटी के साथ वापस अपनी जादुई दुनिया में लौट जाती है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस रात सभी जानवर भोजन करके अपने बच्चों को लेकर अपने घरों में सोने चले जाते हैं, लेकिन सुबह जब जानवर सूरज की पहली किरण देखने बाहर आते हैं तो वहां का नजारा देख उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ जानवरों की लाशें खून से लथपथ उनके घरों के सामने पड़ी थी। उन्हें किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। ये देख मासूम जानवर बहुत ज्यादा डर गए। जब इसकी खबर जंगल के राजा विक्रम को मिली तो विक्रम ने फौरन वहां जाकर देखा और जानवरों की लाशों के ढेर देखकर विक्रम भी हैरान हो गया। ये सब किसने किया? मेरी मासूम प्रजा को इतनी बेरहमी से मारने वाला कौन है? कौन है वो जिसने इन मासूमों के साथ इतनी बदसलूकी की? बताओ मुझे। पता नहीं महाराज, हम कल रात भोजन करके अपने बच्चों को लेकर घरों में सोने चले गए, लेकिन सुबह जब उठकर देखा तो हमें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हुआ। न जाने किस बेरहम ने एक ही रात में हमारे जंगल के मासूम जानवरों को खून में नहला दिया। अगले दिन इसी तरह एक गाय रोती बिलकती हुई विक्रम के पास आती है। महाराज महाराज, ना जाने किस जालिम ने बेरहमी से मेरे बेटे को मार डाला। तब विक्रम गाय के घर जाकर देखता है तो वहाँ उस गाय के बच्चे को भी किसी ने बड़ी बेरहमी से मारकर दरवाजे पर लटकाया हुआ था। विक्रम को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके जंगल में ये सब क्या हो रहा है। विक्रम सारी रात अपनी गुफा के बाहर इस बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। न जाने वो बेरहम कौन है जो मेरे सामने आए बगैर बिजलों की तरह मेरे मासूम जानवरों को एक एक करके मार रहा है। वो जो कोई भी है, मैं जल्द उसका पता लगा लूंगा। ऐसा कहकर विक्रम अपनी गुफा में सोने चला जाता है। तभी आधी रात जंगल में उठे तूफान को चीरता हुआ एक बाघ वहां आता है और वहां आकर वो बाघ एक जोर की दहाड़ लगाता है और एक सफेद ज़ॉम्बी शेर का रूप ले लेता है। एक एक करके सबको मार दूंगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगा। वो अपनी पूरी ताकत भी क्यों ना लगा ले, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये ज़ॉम्बी शेर का रूप लेने वाला बाघ आखिर कौन है और ये किससे अपना बदला लेने की बातें कर रहा है? आइए जानते हैं। दरअसल आज से कुछ साल पहले महाराज भल्लाल, जो आसपास के जंगलों में सबसे बड़े और दौलतमंद राजा थे, अपनी एक बड़ी विशाल सेना के साथ जंगल में राज किया करते थे। उनकी ताकत और शौहरत के चर्चे दूर दूर तक थे। महाराज भल्लाल की पत्नी उन दिनों गर्भवती थी। महाराज भल्लाल की इस बेशुमार शौहरत और दौलत के पीछे एक रहस्यमयी गुफा थी, जो खजाने से खचाखच भरी हुई थी। अशरफिया, सोना, हीरा और जवाहरात उस गुफा में चारों ओर बिखरे हुए थे। उस गुफा की अजीबोगरीब बात ये थी कि उस गुफा से खजाना कभी कम नहीं होता था और महाराज भल्लाल उस खजाने को जंगल के गरीब और मासूम जानवरों की भलाई करने में लगाते थे। उधर महाराज भल्लाल के जंगल से कुछ ही दूरी पर एक राठौर नाम का बाघ रहता था, जो बरसों से महाराज भल्लाल की उस रहस्यमयी गुफा की तलाश में था और वो किसी भी कीमत पर उस गुफा तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उस रहस्यमयी गुफा में रहस्यमयी खजाना दबा है, जिसे पाकर वो दुनिया का सबसे ताकतवर और करोड़पति राजा बन सकता है। लेकिन एक दिन राठौर से सब्र ना हुआ और उसने अपने कुछ सिपाहियों को भल्लाल के जंगल भेजा। राठौर के भेजे सिपाहियों ने उस रहस्यमय गुफा का राज पता करने के लिए भल्लाल के जंगल आकर मासूम जानवरों को परेशान करना शुरू किया और उनसे जबरदस्ती गुफा का राज उगलवाने लगे। लेकिन उस रहस्यमय गुफा के बारे में भल्लाल के अलावा जंगल में और कोई नहीं जानता था। तब गुस्से में आकर राठौर के सिपाहियों ने वहाँ के जानवरों को मारना शुरू किया।
जब इसकी खबर बल्लाल को मिली तो बल्लाल गुस्से में आ गया और उसने फौरन जाकर राठौर के सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। बताओ मुझे, तुम्हें यहाँ भेजने वाला कौन है? किसके कहने पर तुम मेरे मासूम जानवरों को मार रहे हो? जल्दी बताओ वरना यहीं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं महाराज, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तब राठौर का एक सिपाही बल्लाल को सब बताता है कि उन्हें किसने और क्यों भेजा है। इसका पता लगते ही बल्लाल अपने सिपाहियों को लेकर फौरन राठौर के पास पहुँचा और वहाँ जाकर राठौर पर एक जोरदार हमला किया। राठौर, मन तो करता है कि यहीं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन मैं इस घड़ी में तुम्हारे खून से अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। अगर मेरी पत्नी इस समय गर्भवती ना होती तो मैं तुम्हें यहीं जान से मार डालता। चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे जंगल की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। तब बल्लाल राठौर को बुरी तरह बेइज्जत करके उसे उसके जंगल से निकाल देता है। उधर कुछ दिनों बाद बल्लाल की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। बल्लाल ने अपने बेटे का नाम विक्रम रखा। विक्रम अब धीरे धीरे जवान हो रहा था। तब एक दिन बल्लाल ने अपने बेटे विक्रम को उस रहस्यमय गुफा का राज बताया। किन कुछ दिनों बाद ही विक्रम के माता पिता के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे में महाराज बल्लाल और उसकी पत्नी मारे गए। माता पिता का साया उठ जाने से विक्रम अनाथ हो गया, लेकिन जैसे तैसे विक्रम ने खुद को संभाला और वो बड़ा हुआ। एक दिन एक भालू भागता हुआ विक्रम के पास आया। महाराज महाराज, मेरी मदद कीजिए, मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। अगर सही समय पर मेरे बेटे का इलाज नहीं हुआ तो मैं उसे खो दूंगा महाराज। तब विक्रम भालू को उसके बेटे के इलाज के लिए ढेर सारा सोना और पैसे देता है, लेकिन विक्रम को भालू को ढेर सारे पैसे देते हुए दूर पत्थर के पीछे छुपा एक बाघ सिपाही देख लेता है। उधर दूसरी तरफ राठौर अपने अपमान से बहुत गुस्से में था और इतने वर्षों से वो बदले की आग में जल रहा था। तभी राठौर का वो सिपाही भागता हुआ उसके पास आया। महाराज, सालों से आप जिसकी तलाश में थे उसका राज वो जानता है और यही समय है उससे अपने अपमान का बदला लेने का। तब राठौर के सिपाही ने उसे सब बता दिया। बल्लाल, तू इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ? मैं अपना बदला तेरी औलाद से पूरा करूंगा। मैं तेरी औलाद को कभी इस जंगल में पनपने नहीं दूंगा और उससे उस गुफा का राज निकलवा कर ही रहूंगा। ऐसा कहकर राठौर एक तांत्रिक के पास गया और उसने उस तांत्रिक से अपने लिए एक ऐसी शैतानी शक्ति मांगी जिसे पाकर उसके अंदर शैतानी शक्तियां आ सके और वो हर तरफ तबाही मचा सके। तब उस तांत्रिक ने राठौर को एक ऐसी शक्ति दी जिससे वो जब चाहे एक सफेद ज़ॉम्बी शेर का रूप ले सकता था। और इस तरह राठौर ने तांत्रिक से ज़ॉम्बी शेर की शक्तियां पाकर विक्रम के पिता से अपना बदला लेने के लिए उसके जंगल के मासूम जानवरों को मारना शुरू किया। उधर अब विक्रम ने उस हत्यारे को पकड़ने की ठान ली थी। विक्रम ने उस हत्यारे का पता लगाने के लिए अंधेरी रात में उसकी जासूसी की। तब उस रात विक्रम ने देखा कि राठौर बाघ उसके जंगल में आकर एक सफेद ज़ॉम्बी शेर का रूप लेता है। ये देख विक्रम हैरान हो गया और उसे सब समझ आ गया कि उसके मासूम जानवरों को बेरहमी के साथ मारने वाला राठौर बाघ ही है। तब अगले दिन विक्रम एक भालू को राठौर के पास भेजता है। राठौर महाराज, तुम्हें सालों से जिस गुफा की तलाश है मैं उस गुफा का रास्ता जानता हूँ, चलो मेरे साथ। तब राठौर अपने सिपाहियों के साथ भालू के पीछे चल देता है और भालू ने राठौर को उसके सिपाहियों के साथ गुफा के अंदर भेज दिया। गुफा के अंदर का खजाना देखकर राठौर की आंखें चौंधिया गईं। इस गुफा की तलाश में मैं सालों से था, इसका पता बताने वाले को तो इनाम देना ही चाहिए। तभी गुफा के बाहर विक्रम वहां आता है। महाराज, आपके कहे मुताबिक मैंने राठौर और उसके सिपाहियों को गुफा में भेज दिया है। बहुत अच्छा भालू, जाओ राठौर जाओ, गुफा के अंदर बहुत खजाना है। अब तुम अपनी बाकी की बची जिंदगी भी इस गुफा के अंदर ही रहकर बिताना। ऐसा कहकर विक्रम दो बड़े पत्थरों से गुफा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देता है। और अब कुछ दिनों बाद ही गुफा के अंदर दम घुटने से राठौर और उसके सारे सिपाही वहीं मारे जाते हैं। और इस तरह विक्रम अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपने मासूम जानवरों की हत्या का बदला राठौर से ले लेता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।